दोस्तों नमस्कार, तेजस्वी लोक की खास वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना बिजनेस किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। यदि आपकी ऑफलाइन शॉप है तो आप अपनी ऑफलाइन शॉप से तो कमा ही रहे हैं, साथ में आप अपने ही बिजनेस के प्रोडक्ट को ऑनलाइन कैसे बेच सकते हैं, आप इस वीडियो को पूरी देखें, क्योंकि एक एक पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक ऐसा सीक्रेट ऐप आपको बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन शॉप घर बैठे अपना डिजिटल दुकान स्टार्ट कर सकते हैं। ये वीडियो उन सभी व्यापारियों के लिए है, चाहे जिनकी छोटी दुकान हो, बड़ी दुकान हो, वे होलसेलर हो या मैन्युफैक्चरर्स हो, किसी गांव में हो, किसी कस्बे में हो, किसी शहर में हो या बड़े से मेट्रो सिटी में हो, आप सभी के लिए ये ऐप काम करने वाला है। और मात्र 5 मिनट में डिजिटल शॉप बन जाएगी। उसके बाद अपने प्रोडक्ट को ऐड करके आप अपने ही शहर और गांव में ही नहीं, पूरे देश भर में आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो और इंडिया में अपना नाम कर सकते हो। आपको इसमें कुछ भी खर्चा नहीं करना है, बिल्कुल फ्री ये ऐप है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए और ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए या प्ले स्टोर पर जाकर शॉप खाता ऐप डाउनलोड कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा। और उसके बाद आपको बस अपना एड्रेस वहाँ पर सबमिट करना है और कंफर्म करना है। उसके बाद आपको आगे का प्रोसीजर मैं डायरेक्ट स्क्रीन पर लेकर के चलता हूँ और किस तरीके से आगे का प्रोसीजर होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप चाहते हो कि अपना बिजनेस ग्रोथ हो, आपका बिजनेस अपने शहर से निकल करके पूरे देश भर में, पूरे भारतवर्ष में फेमस हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। तो दोस्तों आइए ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते, डायरेक्ट मैं स्क्रीन पर लेकर के चलता हूँ और आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, एक 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 पॉइंट समझा देता हूँ कि किस तरीके से आपकी डिजिटल शॉप पर यदि ऑर्डर आते हैं तो उनको आप कैसे मेंटेन करोगे, आप किस तरीके से अपनी सेल देखोगे, आप किस तरीके से अपनी आई हुई पेमेंट देखोगे। पूरा टोटल प्रोसीजर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बहुत ही आसान तरीका है, बस आपको ध्यान से ये वीडियो देखनी है। यदि आपका रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस है या आपका शूज़ का बिजनेस है या आपका किराने का भी बिजनेस है, छोटे से छोटा भी बिजनेस है और बड़े से बड़ा भी बिजनेस है, आप इस ऐप पर अपनी दुकान को डिजिटल करके आप देश भर में अपने फर्म का नाम रोशन कर सकते हैं, अपनी दुकान का नाम रोशन कर सकते हैं और बहुत सारा ढेर सारा पैसा आप कमा सकते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। उसके बाद ये आपसे पूछेगा मैनेज योर एक्सपेंसेस डिजिटली, तो आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद डू यू का अपना कोई बिजनेस है तो आपको यहाँ से नेक्स्ट करना है, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना और उसके बाद सेट योर लोकेशन, लोकेशन आपको यहाँ पर डालने है, ये अलाउ के लिए पूछेगा, आप अलाउ कर दीजिए। अपनी लोकेशन कन्फर्म करनी है, देखिए जो भी आप लोकेशन आप डालना चाहते हैं आप लोकेशन यहाँ से डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर चेंज का ऑप्शन है, आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर अपनी लोकेशन आप डाल सकते हैं। लोकेशन को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से कंफर्म कीजिए। जैसे ही लोकेशन कंफर्म की तो आपके पास ये होम पेज ओपन हो करके आ गया, यहाँ पर कैटेगरी ओपन हो रही है और जो आपके नियर बाई शॉप है वो यहाँ पर आपके ओपन हो रही है। इन किसी भी शॉप पर आप जा कर के परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि आप किस तरह से अपनी डिजिटल दुकान को यहाँ पर ओपन कर सकते, किस तरह से आप इन्हीं की तरह अपना शॉप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ओपन डिजिटल दुकान है, तो यहाँ पर ओपन नाउ का ऑप्शन है, ओपन नाउ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ओपन नाउ पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन विया व्हाट्सएप का यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है, मात्र एक बार आपको यहाँ पर लॉगिन करना है व्हाट्सएप के द्वारा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप पर ये आपके एक मैसेज पहुंच जाएगा और उसको आपको सेंड करना है। सेंड करने के बाद कंपनी की तरफ से आपके पास एक लिंक आएगा और उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। देखिए इस लिंक पर हमने क्लिक किया और यहाँ पे शॉप खाता पर क्लिक किया। यहाँ से अब आपको बिजनेस नेम भरना है, SR स्टोर जो भी आपका बिजनेस का नाम है यहाँ पे भर दीजिए। जो भी आपकी बिजनेस में कैटेगरी, यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी है, इन कैटेगरी में से एक कैटेगरी को आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने स्टेशनरी कैटेगरी को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे प्रोसीड है, प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद ये यहाँ पर आपका बिजनेस का जो लोकेशन है यहाँ पर शो कर देगा, चेंज करना चाहते हो चेंज कर लीजिए। उसके बाद सेव एड्रेस कर दीजिए। सेव एड्रेस के बाद यहाँ पर आपको चूज ऐड प्रोडक्ट कैटेगरी, यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी को चूज करना है, इस एरो पर क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे ऐड न्यू कैटेगरी लिखा है, ऐड न्यू कैटेगरी पर जाइए और आप
आपको यहाँ पर कौन से प्रोडक्ट की कैटेगरी चूज करनी है। जैसे कि आपका यहाँ पर एक स्टोर है और स्टोर में आपकी कैटेगरी सपोज कीजिए कि ज्वेलरी की कैटेगरी है, ऐड कर लीजिए उसके बाद प्रोडक्ट का नाम कि ज्वेलरी में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि रिंग होती है, तो रिंग आपने यहाँ पर लिखी और ऐड फोटो। ये गैलरी या कैमरे से जैसे भी लेनी है, गैलरी में पड़ा है तो गैलरी में आपको क्लिक कीजिए, अलाउ कीजिए और उसके बाद गैलरी में जो भी आपका फोटो पड़ा हुआ है उसे क्लिक कीजिए और उसके बाद राइट टिक पर क्लिक कीजिए और उसके बाद प्रोसीड कर दीजिए। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो पीस केजी में, ग्राम में, क्विंटल में जो भी आप करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हम पीस पर ही रहने देते हैं और क्वांटिटी की हम बात करते हैं तो क्वांटिटी कितनी, वन क्वांटिटी कर लीजिए। सेल प्राइस में आप कितना रखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम इसे 50 रुपीज़ का रख देते हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं, 10 प्रोडक्ट्स हमारे पास है। और एडवांस प्लस पर क्लिक कीजिए, पोस्ट प्राइस यहाँ पर डालिए 80 रुपीज़, MRP भी हमने यहाँ पर 80 रुपीज़ कर दिया और एंटर डिस्क्रिप्शन तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। प्रोडक्ट के बारे में आप बताना चाहते हैं तो प्रोडक्ट के बारे में आप बता दीजिए और यहाँ से आप ऐड प्रोडक्ट कर दीजिए। आपके सामने यहाँ पर सब कुछ शो हो जाएगा, यहाँ पर फोटो भी हो जाएगा, ज्वेलरी और ये इस तरह से स्टॉक आ जाएगा। यदि आप इसे कुछ एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 बिंदु है, 3 बिंदु पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप वेरिएंट एडिट कर सकते हैं, स्टॉक को घटा बढ़ा सकते हैं। ऊपर भी 3 बिंदु है, 3 बिंदु पर यदि आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर आप प्रोडक्ट को एडिट कर सकते हैं, प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। नीचे ऐड मोर वेरिएंट, यदि आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट है तो आप यहाँ से बारी बारी करके इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। अब हम बैक करते हो, उसके बाद यहाँ पर आपका अब ये स्टोर बन करके तैयार हो चुका है। तो दोस्तों SR स्टोर के नाम से एक्टिव है और लोकेशन आपको दिखा रहा है। बराबर में यहाँ पर 3 पॉइंट है जिससे आप सेंड कर सकते हैं अपने दोस्त के पास या फेसबुक पर, व्हाट्सएप के द्वारा, ट्विटर पर। यहाँ पर इसके बराबर में एक QR कोड भी है, इस QR कोड से आप इसको भी आप अपने दोस्तों के पास इसका स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप या फेसबुक पर डाल सकते हैं जिससे कि जो भी इसको स्कैन करेगा वो डायरेक्ट आपकी शॉप पर आ जाएगा। पेमेंट की हम बात करते हैं तो यहाँ से आप ऐड पेमेंट, यहाँ पर आप अपना UPI नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं और उसे सबमिट कर सकते हैं। जो भी कस्टमर होगा आपका आपके UPI पर पेमेंट कर देगा और आपके पास पेमेंट पहुँच जाएगी। जितनी भी सेल होगी वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी, कितने ऑर्डर है यहाँ पर शो हो जाएंगे, कितने विजिट हुए हैं यहाँ पर शो हो जाएंगे। जिस तरह से डेमो में दिखाया गया है कि इस तरीके से आपका डेली में कस्टमर आ रहे हैं, कहाँ तक आपकी सेल पहुँची है, वीकली देखना चाहते हैं वीकली में, मंथली देखना चाहते हैं मंथली में। नीचे आप यहाँ पर देखिए बिजनेस है, बिजनेस पर हम क्लिक करेंगे तो अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर ऑनलाइन स्टोर को आप अपने दोस्तों के पास भेज सकते हैं जिससे कि डायरेक्ट वे आप तक पहुँच सकते हैं ऑनलाइन। ऐड प्रोडक्ट की बात करें तो ऐड प्रोडक्ट पर यदि हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आपकी शॉप के अंदर हो गए। यहाँ पर जिस तरह से मैंने अभी पीछे बताया था उस तरह से प्रोडक्ट लिख करके, फोटो ऐड करके, उनका रेट प्राइस लिख करके यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट आप कर सकते हो। दोस्तों नीचे पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर आपको शो कर रहा है, पेंडिंग ऑर्डर जितने भी ऑर्डर आपके पास आएंगे वो सब आपको यहाँ पर शो करेगा कि कौन सा ऑर्डर अभी तक पेंडिंग है, कौन सा ऑर्डर अभी तक आपने एक्सेप्ट नहीं किया है या कौन सा ऑर्डर आपने दे दिया है उसके बारे में आपको यहाँ पर शो करेगा। दोस्तों अब मैं नीचे बात कर लेता हूँ यहाँ पर पेमेंट की, तो पेमेंट पर यदि हम क्लिक करते हैं और अलाउ करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा टू रिसीव और टू पे, आपको कितना पेमेंट रिसीव हुआ है या आपको कितना पेमेंट करना है यहाँ पर आपका ये शो करेगा। यदि आपको ऐड पेमेंट करना है, ऐड पेमेंट पर आप क्लिक करते हैं और किसी भी नंबर पर जो भी आपका कस्टमर है उस नंबर पर आपको पेमेंट देना है या पेमेंट लेना है तो आप किसी भी नंबर पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अमाउंट डालिए, जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पर हमने 100 रुपीज़ डाल दिया, दीजिए SS के नाम से और यहाँ पर फ़ोटो डालना चाहते हैं फ़ोटो डाल दीजिए वरना इसे सेव कर दीजिए तो यहाँ पर आपका ये 100 रुपये इस नाम पर आपको दिखाएगा। ये रिसीव हुआ है जिसकी तरफ से, तो यहाँ पर रिसीव में यदि आपको पेमेंट देना है, पे करना है तो वो आपका इधर साइड में यहाँ पर दिखाएगा रिसीवेबल, यहाँ पर दिखाएगा कि ये देखिए इनकी तरफ से रिसीव हुआ है तो यहाँ पर आपका दिखा दिया। यदि हम इस पर क्लिक करते हैं तो इनकी सारी जानकारी यहाँ पर दे देगा, आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और इनको पेमेंट के बारे में सारी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। बैक कर लेते हैं दोस्तों अब हम बात करते हैं नीचे इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री पर यदि आप क्लिक करते हैं तो जिस स्टोर को कस्टमर ने सिलेक्ट किया है उस स्टोर के बारे में जितने भी प्रोडक्ट
प्रोडक्ट है वो यहाँ पर शो करेगा। अभी एक ही प्रोडक्ट इसमें रिंग वाला प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड किया था, इस वजह से एक ही प्रोडक्ट ऐड हो रहा है। यदि आप इसे बंद करना चाहते हैं, आपके पास माल खत्म हो चुका है, तो आप यहाँ से बंद भी कर सकते हैं, इनएक्टिव कर सकते हैं। यदि एक्टिव रखना चाहते हैं एक्टिव कर सकते हैं। कितना इसमें ऐड स्टॉक करना कितना नहीं, वो मैंने आपको बताया था पीछे। और उसके बाद हम नीचे बात कर लेते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर पर यदि हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए पेंडिंग ऑर्डर है, इन प्रोग्रेस है, कंप्लीट है, कैंसिल है, कौन सा प्रोडक्ट आपका कैंसिल हुआ है, कौन सा प्रोग्रेस में है, कौन सा पेंडिंग है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अकाउंट में हम बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए आपके स्टोर का नंबर आपको दिखाई देगा। यदि आप एडिट करना चाहते हो आप एडिट कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर देखिए इसकी स्विच टू कस्टमर, इसकी बात मैं अभी बाद में करूँगा। ऐड टू बिजनेस, यदि आपके पास और भी बहुत सारे बिजनेस है, आप दूसरी दुकान भी डिजिटली ओपन करना चाहते हैं, तो ऐड टू बिजनेस करके और जिस तरीके से अभी पीछे बताया उस तरीके से आप यहाँ पे दूसरी दुकान की भी लोकेशन इसमें डाल सकते हैं। मैं बैक कर लेता हूँ इसे। डिलीवरी ऑप्शन की मैं बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पर डिलीवरी टू कस्टमर, कस्टमर को डिलीवरी करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद ऑप्शन है कि आपको चार्ज लेना है नहीं लेना है। यदि नहीं लेना है तो आपको इस पर भी क्लिक करना है, और जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे तो नीचे ये आपका डिस्प्ले नहीं होगा। यदि आप यहाँ से इसे हटा देते हो तो यहाँ पर आप अपना चार्ज लिख सकते हो कि डिलीवरी का चार्ज मेरा ₹50 है, कितनी रेंज में है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। यदि कॉन्टैक्ट करना चाहते हो कॉन्टैक्ट कर सकते हो और इसे कन्फर्म कर सकते हो। तो दोस्तों उसके बाद रेफरल कोड का भी इसमें ऑप्शन दिया गया है, ये आपका रेफरल है। ये आप इस रेफरल से दूसरे को रेफर करके आप यहां से भी अर्न कर सकते हो। बैक कर लेता हूं। उसके बाद हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन है, यहां से आए कंपनी को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है। उसके बाद मैं अब बात कर लेते हैं यहाँ स्विच टू कस्टमर क्या है। स्विच टू कस्टमर पर यदि हम क्लिक करेंगे देखिए तो यहाँ पर ये यह डायरेक्ट आपके होम पेज पर ले जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाएगा कि कितना आपको रिसीव हुआ है, कितना पे हुआ है। तो यहाँ से आपने 125 पे किया है तो यहाँ 125 पे होगा। यदि रिसीव होता है रिसीव दिखाएगा। जितनी भी आपकी नियर शॉप है उस शॉप पर आप क्लिक करके और उनके प्रोडक्ट को ऐड करके, जैसे कि एक प्रोडक्ट हमें ये वाला लेना है, व्यू कट कर देना। व्यू कट करने के बाद जैसे ही यहाँ पर आपका प्राइस दिखा दिया, कन्फर्म ऑर्डर कीजिए। जैसे आप कन्फर्म ऑर्डर करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए ये ऑर्डर प्लेस्ड हो चुका है। जैसे ही ऑर्डर प्लेस्ड होगा तो आपकी दुकान के ऊपर एक नोटिफिकेशन आएगा कि कस्टमर का कोई ऑर्डर आया है, आप उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कीजिएगा। कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए जैसे ही किसी ने आपको ऑर्डर दिया तो यहाँ पर आपका शो हो रहा है कि एक ऑर्डर आपका आ चुका है। अभी इसको आपको कैसे करना है, ऑर्डर की जो नोटिफिकेशन है आप नीचे देख लीजिए, यहाँ पर आपका ये ऑर्डर आया है। आपको इसके ऊपर पेंडिंग ऑर्डर से, ये आपका पेंडिंग ऑर्डर से यहाँ पर शो करेगा, यानी कि आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप नीचे देख लीजिए कैंसिल का है और एक्सेप्ट ऑर्डर का है। यदि आपके पास वो माल है तो आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, यदि नहीं है तो कैंसिल ऑर्डर कर दीजिए। यहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, आप यहां से एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसे आप एक्सेप्ट करोगे तो यहां पर दो ऑप्शन और आ जाते हैं, रिकॉर्ड पेमेंट और रेडी का ऑप्शन यहां पर आपको आ जाता है। यदि आप के पास ये माल है और आप रेडी कर रहे हैं तो यहाँ से आप रेडी के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप रेडी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके कस्टमर के पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा जिससे उसको पता चल जाएगा कि आपका रेडी हो चुका है। और यदि आपका उधार खाता किसी के पास चलता है तो यहाँ से रिकॉर्ड पेमेंट आप यूज कर सकते हैं। यदि कैश में चलता है, कैश UPI या कार्ड मशीन द्वारा, सपोज़ कीजिए कि किसी ने ₹20 आपको दिए, आपने सबमिट कर दिए। अब यहाँ पर देखिए ₹50 का अमाउंट था, ऑलरेडी ₹20 पेड हुए, ₹30 उसका बैलेंस बचा हुआ है। यहाँ से देख सकते हैं कि ऑर्डर डिटेल्स ₹50 की थी और पेमेंट अभी इनका आया है, पेड फॉर ऑर्डर, इस ऑर्डर पर पेमेंट आया है मात्र ₹20। हम टोटल पेमेंट देखते हैं, ₹50 था, ₹30 अभी हमारा बाकी है। अब आप अपने प्रोडक्ट को उस कस्टमर को देना चाहते हैं या नहीं, यदि देना चाहते हैं तो रेडी कर दीजिए। और रेडी करने के बाद ये देखिए ऊपर यहाँ पर ऑर्डर इज प्रिपेयर, प्लीज़ पिकअप योर ऑर्डर फ्रॉम बिजनेस SR, तो इस तरह का नोटिफिकेशन पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद अब आपके पास यहाँ पर कंप्लीट ऑर्डर है। जैसे ही आपका ऑर्डर कंप्लीट होता है आप इसे कंप्लीट कर दीजिए और डू यू वांट टू कंप्लीट दिस ऑर्डर, यहाँ पर कंफर्मेशन आती है कि क्या ये ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, तो आप इसे येस कर दीजिए। कस्टमर के पास भी इस तरीके से यहाँ पर देखिए ये पहुँच जाएगा।
तो देखिए यहाँ पर आपको शो कर रहा है कि स्टोर पिकअप, डिलीवरी अवेलेबल और डिलीवरी चार्जेस यहाँ पर शो कर रहा है, क्योंकि आपने ऐड किया था डिलीवरी चार्जेस में 50 रुपीज़, तो 50 रुपीज़ आपका ऐड हो रहा है यहाँ पर। तो कस्टमर को भी सूचना मिल जाएगी कि ये 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा यहाँ से लेने वाला है। अपना बिजनेस देखना चाहते हैं कि कितने विजिट हुए, एक विजिट हुआ, एक ऑर्डर है, सेल 50 रुपये की हुई है और यहाँ पर ये आपका दिन आ जाएगा और कितने रुपये की सेल हुई है उसका एक चार्ट आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहां से देख सकते हैं, कोई पेंडिंग ऑर्डर अभी आपके पास से नहीं है। यदि कोई पेंडिंग ऑर्डर होता है तो वो यहां पर शो करता है और आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके आप यहां से उसे यूज कर सकते हैं। एक बार फिर हम अकाउंट पर जाते हैं और उसके बाद यहां पर देखिए इस समय लिखा हुआ है स्विच टू बिजनेस, पहले लिखा था स्विच टू कस्टमर। यदि अब हम अपने ऑर्डर की बात करें तो माई ऑर्डर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं माई ऑर्डर्स और जितने भी आपके ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पर आपके शो हो रहे हैं। देखिए जिस ऑर्डर को भी आप देखना चाहते हैं कि 1200 ये आपका अमाउंट है, यहाँ से आप किसी भी ऑर्डर के ऊपर क्लिक कीजिए, उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर दिखा देगा, ऑर्डर डिटेल्स यहाँ पर दिखा देगा। आप चाहे तो इसे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। ऊपर 3 बिंदु है, यहाँ से कोई भी कमेंट आप ऐड कर सकते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं या आप ऑर्डर कैंसिल कर सकते हो। ऊपर टोकन नंबर है, इस टोकन नंबर को आपका दिखा दिया जाता है। स्विच टू बिजनेस लिखा है, यदि हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप अपने स्टोर पर पहुँच जाते हैं। स्विच टू कस्टमर करते हैं तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी पेमेंट शो करती है और आप यहाँ पर देख सकते हैं नियरेस्ट जितनी भी शॉप है ये सब कुछ आपको दिखा दिया जाता है। किस कैटेगरी में आपको माल लेना है वो भी सब कुछ आपको यहाँ पर दिखा दिया जाते हैं। दोस्तों ये आपके बिजनेस का ऐप है और यहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है कि कितने सेल हुए, कितने ऑर्डर हुए, कितने विजिट हुए हैं, तो टोटल आपको यहाँ से पता चल जाता है। आप इस तरीके से ऑफलाइन तो आप कमा ही रहे हैं, साथ में आप ऑनलाइन भी कमाना शुरू कर देते हैं, यानी कि इस ऐप से आप घर बैठे हुए ऑल इंडिया के अंदर अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं। तो कितना अच्छा ऐप है और कितना इजी ऐप है। तो आपको यदि ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और इस ऐप को अभी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस लिंक पर जाइएगा और अपना स्टोर भी ऑनलाइन आप बना लीजिएगा और रेफ़र कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम आपके हो सके।